जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे इसे सही टाइम पर सही जगह पोस्ट कर देना जी सर जय हिंद जय हिंद नमस्कार, मैं हूं इनकी कहानी का सूत्रधार और यूं शुरू होती है इन पांचों की कहानी। खुद में मस्त, पूरी दुनिया से अलग और ढेरों सपने अपने दिल में लिए। आइए आपको ले चलते हैं इनकी क्लास में। आप ढूंढ रहे होंगे कि ये पांचों आखिर हैं तो हैं कहाँ, तो चलिए आपको मिलाते हैं इनसे। जी हाँ, जो ये चौक फेंक रही हैं, ये हैं स्वरा, स्वरा अग्निहोत्री, और इनके साथ जो इनको चौक सप्लाई कर रही हैं और मुंह बना रही हैं, ये हैं नव्या जैन, जो हर काम में और हर कांड में इनके साथ रहा करती थी। अब आप उन तीनों को ढूंढ रहे होंगे तो जरा नीचे नजर घुमाइए। जी हाँ, ये थे उनकी असली जगह, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गलती थी भी तो इनकी, अध्यापक राजेंद्र त्रिवेदी जी की। त्रिवेदी जी थे ही ऐसे, और ये हैं उद्भव शाह।
और ये महाशय? ये महाशय हैं राजवीर, राजवीर शेखावत। चलिए आगे चलते हैं। नहीं नहीं पीछे। ओहो छी, पाल शर्मा। सुनो यार, एक शर्त लगाते हैं। क्या? तुम दोनों में से जो मुर्गे की बांग मारेगा ना, उसको मेरी तरफ से दो समोसे। यार समोसे के साथ चाय भी होती तब तो सोचते। हाँ ठीक है, पर तुम दोनों में से बांग मारेगा कौन? अरे मैं हूं ना बांग मारने के लिए। चल बे शुतुरमुर्ग, बांग तो मैं ही मारूंगा। और तुम आज मुर्गा बने हो तो बांग दे रहे हो, कल अंडा भी लोगे क्या? पर मास्टर जी अंडा तो मुर्गी देती है ना। मुझसे बहस करता है, निकल बाहर, बाहर निकलो तीनों। कोली, अरे मास्टर जी आए, चाय लगा कड़े कोली। अबे कहां मर गया? काम चोर हो गया है साला। क्या कर रहे हैं? दिखा, क्या कर रही है? दिखा। सही है, क्या कर रहे हैं? केवल साफ कर, जल्दी से पका रहे हैं, लेके चीज़ को ढंग से साफ कर। शेर निकल चुके थे अपने पिंजड़े से और बढ़ चुके थे शिकार की ओर। अरे भाई कैंटीन तो आ गए, कहाँ है शर्त के समोसे? बैठो लाता हूँ दो समोसे। दो नहीं चार। हाँ भाई वो भी चाय के साथ। हाँ यार लाता हूँ, बैठो भाई। चाय मत भूल जाइयो। हाँ याद है। अरे यार क्या करूं, पहले के पैसे भी बाकी है, ये देगा भी नहीं, कोई पकड़ा ढूंढते हैं। मिल गया, अब काम हो जाएगा। सर क्या एक चाय के पैसे कम हो गए, आप दे दोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं जो भैया वो आप बोल दोगे? हाँ ठीक है। गुड्डू पिया। हाँ भाई वो टेबल पे चार समोसे तीन चाय लगा दो। पैसे कौन देगा? पैसे वो सर देंगे ना। कौन से सर? वो हाँ वो कुछ बार? सर आप दे रहे हो ना? हाँ मैं दे दूंगा। देखो सर दे रहे हैं। पेमेंट लगा गुड्डू भैया कितने हुए? 450। हैं 450 किस बात के? 100 अभी के 350 पुराने। कौन से 350 पुराने भाई? अरे उनके पुराने 350। वो तीनों शेर थे तो ये दोनों बब्बर शेर। तीनों पूरी दुनिया के मजे लेते थे और ये दोनों उन तीनों के। लगता है आज ये मुर्गे हलाल होने वाले हैं। सही बोल रही है, अपने मर्दानगी का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। पर करेंगे क्या? अरे
वो मास्टर की जान है ना जान। अरे वो चमेली। हाँ आज तो चमेली को अब हाल बेहाल करके ही छोड़ेंगे। चलो प्लान क्या है? प्लान ये है, दो लोग निगरानी रखेंगे और एक ऑपरेशन पे जाएगा। मिशन को लीड कौन करेगा? मैं जाऊंगा ऑपरेशन पे। ठीक है तू ऑपरेशन पे जाना, हम दोनों निगरानी रखेंगे। आज तो चमेली को मेले बना कर ही छोड़ेंगे। अच्छा यहाँ खड़ी है तू? बड़ी बंधन के खड़ी है, क्या बात है। तुझे लगा था हमसे बच के निकल जाएगी। और ये है छैल छबेली चंपा चमेली, जिसने मास्टर जी के दिल में कहर ढाया हुआ है। मास्टर जी रोज बेचती रोज मुर्गा रोज सजा, आज दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी मर्दानी। जंग छिड़ चुकी थी, सैनिक किले के अलग अलग द्वारों पे मोर्चा संभाले बैठे थे और वहीं बाकी सैनिक दुश्मनों को धराशायी कर रहे थे और अपना बदला ले रहे थे। आखिर खुद की मर्दानगी भी तो साबित करनी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा किला ही ढहा दिया। हमारे महारथी गोपाल वो माया के जाल में फंस गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ। तुम्हें यार रुक सर, वो मैं गोटी गोटी मार। ओए रुक लड़के, ओए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुम्हारी का संपर्क आ रहा है। ए बंदा ए रुक रुक, क्या किया मेरी चमेली के साथ? अरे मेरी चमेली, ये क्या किया रे तुमने मेरी चमेली के साथ? अरे मेरी चमेली, मेरी चमेली। किसी को की लग गई है, बहुत गहरी चोट है, बहुत खून बह रहा है। अभी मैं पट्टी कर देती हूँ, इसको हॉस्पिटल ले जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। यार वो सब तो छोड़ो, कल इसकी रेस है, कल तू दौड़ेगा कैसे राजवीर? भाड़ में गई रेस, कोई जाने की जरूरत नहीं, इससे इसका घाव और बढ़ जाएगा। सही बोल रहे वो। अरे ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, इस छोटी चोट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कल की रेस दौड़ूंगा। अरे तू तो अपना शेर है। आज चोट लगने पे उठाया है, कल रेस जीतने पे उठाऊंगा तुझे। हर लड़ाई को जीतने का जज्बा रखने वाले राजवीर आज भी तैयार थे इस दौड़ को जीतने के लिए। इस दौड़ में बड़े बड़े महारथियों ने हिस्सा लिया था, उनमें से एक राजवीर भी था। लेकिन सबसे भारी भरकम महारथी तो ये जनाब थे। बोला था ना तू जीतेगा तब तुझे उठाऊंगा। चल मेरे शेर। हाँ यार आज बहुत शानदार भागा यार, मजा आ गया। अब तो पार्टी चाहिए। हाँ हाँ देख ले कहाँ देनी है। हाँ हाँ शाम को गुड्डू भैया की कैंटीन में चलेंगे। ठीक यार आज गुड्डू भैया क्या बहुत लेट हो गया। वो तो है बस उन्होंने खाना तैयार रखा है। बहुत भूख लग रही है यार। तुमने देखा अभी गुड्डू भैया बॉटल में कुछ लेकर जा रहे थे? ये तो अपना विक्की है, साथ में गुड्डू भैया भी है और एक अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहे हैं। छोड़ो
बड़ा तमाम हूँ। ओह गॉड क्या प्रॉब्लम है? प्लान याद है? हाँ। कंफर्टेबल? दोस्तों चलो प्लान याद है सबको? हाँ। भी मिले पापा से मिलने आए हो? नहीं मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। बिल्कुल नहीं। नहीं ये है। नहीं दो 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 एक शर्त पे। बोलो मेरे साथ खेलने चलोगे? हाँ पर मेरी मम्मी को मत बताना। तुम भी नहीं बताओ? ना, ना पक्का पक्का। ये घर है किसका और ये लोग यहाँ क्यों घुसे जा रहे हैं? आखिर इन लोगों का प्लान है तो है क्या? अरे यार मुझे भी इन लोगों ने प्लान नहीं बताया, तो चलिए मिलकर ही देख लेते हैं आखिर इनका प्लान है तो है क्या। चौधरी का चांद हो तुम या आफताब हो तुम, ये तुम्हारी चांद तुम्हारी चमेली होगी उसी के लिए गाया जाता है, मेरी तो गाया जाता तुमसे। मेरी चमेली कम से कम ठीक तो है, तुम्हारी तरह ठीक तो नहीं करती पूरे दिन। अलक निरंजन दे दे कुछ मीठा सा व्यंजन, जय गिरधारी खुश रहे दुनिया सारी। प्रणाम बाबा जी। सदा सुहागन रहो बालिके। सर एग्जाम आ रहे हैं और मुझे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही। अरे बेटा बैठो बैठो, मैं हूँ ना तुम्हारी, बताओ क्या दिक्कत है? सर है। क्या बालिके? मेरे पति की पराई स्त्रियों पे बुरी नजरें रहती हैं बाबा जी। बालिके कहीं वो शिक्षक तो नहीं? हाँ। कहीं वो बच्चे को सजा तो नहीं देते? हाँ हाँ देते हैं। उन्हें पीटते तो नहीं? हाँ हाँ हाँ। उन्हें मुर्गा तो नहीं बनाते? हाँ बाबा जी बनाते हैं। छात्र दोष बालिके, छात्र दोष। छात्र दोष? पानी लेके आता हूँ। सर लेकिन कब सब ठीक है सर? लेकिन नहीं सर, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपको देख के खुशी होगी। थैंक यू सर। ये बबूत लो, ये बबूत। धन्यवाद। और अपने पतिदेव को इस स्त्री से दूर रखना। नारायण नारायण। अच्छा तो इनका ये प्लान था, तो इन्होंने ये फोन विक्की की फोटो खींचने के लिए चुराया था। वाह स्वरा, सलाम है तुम्हारे सच जानने के जज्बे को। आइए आपको ले चलता हूँ मैं प्रिंसिपल सर जी के घर, जहाँ त्रिवेदी जी आए हुए हैं। आया था, बीवी बता रही थी वो पंडित भी उसी टाइम आया था। मुझे ऐसा लगता है कि सर वो फोन चोरी कर लिया। अच्छा अच्छा सर ये देखो सर, यही वो छात्र है सर, मुझे इतने ही साके सर। ये देखो ये मेरा फोन भी है सर के पास। इधर आओ तुम सब, यहाँ खड़े हो। ये सर यही छात्र आई थी सर मेरे घर पे, और ये देखो सर ये मेरा ही फोन है दोस्त मालिक है। इधर दे मेरा फोन, ये देखो सर। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़े सुने वाले चोर हो, चोरी करके भी यहाँ आ जाते हो। सॉरी सर। सर लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी जो आपको स्कूल आज नहीं बताया। रन कि झूठ बोलने की कोशिश मत कर रहा। तुम मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में सब पता चल चुका है, ये सब गवाह है तुम्हारी करतूतों के। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकत करते हो? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर विक्की तो हमारा बेटा ही है, नहीं खड़ा है मेरे सामने ही खड़ा है। जी सर मैं सब समझ।
सब निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ज्यादा मुंडन करने आ रही है क्या? अपने हाथ में रहा था, उनको सबक मैं सिखाऊंगा। इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, ये हैं विक्की, नेताजी के बेटे और स्कूल के बाहुबली। जितने इनके सर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा तो इनके पास पंटर हैं। अजी हमारा भी कोई काम कर दिया करो। तमीज में रहो। अगर हम तमीज में रहेंगे तो शायद बदतमीजी बुरा मान जाए। बहुत गलत कर रही हो। मैं तो गलत ही करूँगा। मुझसे ये तो तुझे पहले सोच रहा है प्रिंसिपल के पास जाने से। बहुत गलत कर रहा है। तुझसे बनने लूंगा। विके लड़कियों को छेड़ता है, हिम्मत दे दो इधर आ। ले हिम्मत तो तू बता। अरे भाई भाई रहने देते है ना, मामला यही रफा दफा करते है। मार रहा हूँ ना। तू मारेगा? अरे लड़कियों का क्या है, बोलती रहती है तो। पर मामला रफा दफा कर चीर के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। तूने गलत आदमी से पंगा लिया है, तुझे भी नाली का साले। अब क्या आ कर रहा है? पता है अकेला उसे दिखाई देगा तो पिट के आएगा। हमें क्यों नहीं बुलाया? और तेरे भाई ने ये बॉडी ऐसे ही थोड़ी बना रखी है। तू अकेला लड़ने गया ही क्यों? देख यार, जो गलत है सो गलत है और मुझे गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो ये तो कुछ ऐसे थे हमारे प्यारे उद्भव जी, सही के लिए मर मिटने को तैयार। वहीं दूसरी तरफ फूल भरी राहों में कांटे आ चुके थे, क्योंकि अब समय आ चुका था परीक्षाओं का। एग्जामिनेशन हॉल, ये ऐसी जगह होती है जहां बच्चों की प्रतिभा और भविष्य दोनों का पता चलता है, और वो भी नंबरों से नहीं उनके कर्मों से। ईमानदारी से समझौता ना करने वाले गोपाल फूलों के बड़े पक्के थे और इरादों के भी। टीचरों के आगे से जवाब बताने के बावजूद भी देखिए क्या कहते हैं ये। कांटों से भरी राह पार कर अब सब आगे आ चुके थे एक दूसरे को अलविदा कहने को। ना जाने इतने सालों की कितनी ही यादें अपने साथ समेटे और कितनी ही छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें मन में दबाए। मन भारी था
फिर भी होंठों में एक खुशी थी। हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता था, अपनी कहानी, अपने किस्से, अपनी बातें बताना चाहता था। और कुछ इन लम्हों को अपनी तस्वीरों में कैद कर संजो कर रखना चाहते थे। और कोई कोई तो अभी भी अपनी यादों की पोटली को भरने का मौका ही नहीं छोड़ रहे थे। और भरे भी क्यों ना, अंत तक रहती हैं इन्हीं यादों को समेटे, एक दूसरे से कभी ना बिछड़ने का झूठा वादा किए, अपने मन को झूठी तसल्ली दिए, ताकि ये भाव आंसू बन आंखों से ना छलके। सब इस लम्हों को ऐसे जी रहे थे मानो ये लम्हा आखिरी हो। बिल्कुल ऐसा लम्हा कहां कभी आने वाला था। लेकिन सबसे अलग, बिल्कुल गमहीन, बिल्कुल अकेले बैठे, बिल्कुल उदास, ये थे अपनी भावनाओं से भरे हुए, बिछड़ने का दुख और सच्चाई से वाकिफ हमारे राजवीर शिखावत। ये अपने साथ सिर्फ यादें ही नहीं लेके जा रहे थे, बल्कि एक दूसरे का विश्वास और कभी ना भूलने वाला एक प्यारा सा, मीठा सा एक रिश्ता साथ लेकर जा रहे थे। अपनी आंखों से इस स्कूल की एक आखिरी झलक समेटे सब बढ़ चले थे उस सफर की अंत में। जीवन में कुछ कर गुजरने की ठाने अपनी मंदिर को पाने की चाह में, जो कदम हर दौड़ जीतने का जज्बा रखते थे, वो ना जाने क्यों आज इतने भारी थे। ये कदम बढ़ चले थे सरहदों की ओर, और इस तरह खत्म हुआ इन लोगों के जीवन का पहला पड़ाव। ये था 2014 बैच, लेकिन 2019 में इन लोगों के कदम ऐसी जगह पड़े जहां पर इनके उसूलों पे ही सवाल खड़ा हो चला, और आगे की कहानी कुछ क्षणों बाद। और अब शुरू हुआ इनका दूसरा पड़ाव। यह है हमारी शैतान नव्या, जो स्कूल समय में लोगों की पट्टियां किया करती थी और आज पहुंच चुकी थी ऐसी जगह का सपना ये देखा करती थी। जी हाँ, ये थी डॉक्टर एसएनएमसी मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। नई नई जगह थी तो बेशक दोस्त भी नए नए होंगे। अपने इन नए नए दोस्तों के साथ एक कदम बढ़ चले थे डॉक्टर लाइफ की जन्नत कहे जाने वाले विच्छेदन शाला की ओर। भले सबके कार्य अलग अलग हों, लेकिन करना सबको ऑपरेशन ही पड़ता है, चाहे स्टिंग ऑपरेशन हो या सर्जिकल स्ट्राइक या पुलिस का इनकाउंटर। यहाँ कॉलेज का माहौल ही कुछ अलग था। कुछ बच्चे माँ सरस्वती का आशीर्वाद देने यहाँ आए हुए रहते थे, तो कुछ कन्हैया बनने का संकल्प लिए, और कुछ के लिए एक लाइन कहूँ तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। लेकिन एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही होती थी और आपकी यादों को चार चांद लगा दी, और वो चीज थी रैगिंग। अरे नहीं नहीं, ये तो सीनियर्स का आशीर्वाद है, या यूं कहूं एक जरिया उनका जिगरी बनने का, उनसे रिश्ता बनाने का।
मैंने मेरे भैया का नाम ले लिया, मेरे को बस मुझे छोड़िए। जितना बड़ा MBBS डिग्री का नाम है उससे भी बड़ा है इसका पहाड़ जैसा सिलेबस। और इस पहाड़ में चढ़ते चढ़ते एक दिन हमारी नव्या डॉक्टर बन ही गई। जी हाँ, यह है आपकी डॉक्टर नव्या जैन, जिसने सफेद पट्टी से सफेद कोट तक का सफर पूरा किया। अपने सपने और मंजिल को पाकर बेहद खुश थी, लेकिन इंसान वो तो आदत से मजबूर होता है, कहाँ कभी उसे संतुष्टि मिलती है। उसकी लालसा, उसकी इच्छाएं हमेशा हमेशा ही बढ़ती रहती है। रास्ता सही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है यार, आइडियल बातों में वैसे भी क्या रखा है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सुनो, इतने सारे ड्रीम्स है, कब पूरा करेंगे उन्हें? पर यार वो सारी चीजें सच्चाई और मेहनत से भी तो हो सकती हैं। हाँ लेकिन चल छोड़, चलते हैं। ये खामोशी एक आगाज था खुद से और अपने फर्ज से विद्रोह करने की आवाज लिए, जो धीरे धीरे एक गर्जना में बदलने वाली थी। अब सपने बदल चुके थे और मंजिलें भी, तो रास्ते कहां पुराने वाले रहते। अब तो सिर्फ आंखों में लालच था और काम में लापरवाही। यही लापरवाही बढ़ती गई और यही लालच बढ़ता गया। न जाने ये लालच कहां लेके जाएगा, कुछ पता नहीं था। ऐसा ही एक आगाज कहीं और भी हो चला था। बात समझने की है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये जो लोकतंत्र में आपको कुर्सी मिली है ना, ये कुर्सी का एक्सीलेटर आपके पास है, इस गाड़ी का एक्सीलेटर आपके पास है, पर स्टीयरिंग व्हील हम लोगों के पास है। ईमानदारी में गाड़ी का एक्सीलेटर इतना ना दबा देना कि गाड़ी कहीं टकरा ही जाए। थोड़ा गौर कीजिएगा हमारी बातों पर। ये फाइल तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं, कल ये लड़का आके साइन करवा के ले जाएगा। अब हम चलते हैं। जय। जिस तरह ये झालर रंग बदल रहा था, उसी तरह उद्भव के विचारों का वेग भी पल पल बदल रहा था। मंत्री जी के बातों ने उनके मन में एक द्वंद्व पैदा कर दिया था।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो करे तो करे क्या। फिर उनने कुछ ऐसा फैसला लिया जो खुद उनको और सबको चौंकाने वाला था। हेलो, हाँ मंत्री जी, गौर किया था आपकी बात पे। हाँ काम हो जाएगा, पर हर काम की एक कीमत होती है। और हाँ ध्यान रखिएगा, जितनी शक्कर डालोगे उतनी ही मिठास आएगी आपके और हमारे रिश्ते में। ठीक है। ऐसे समय में एक ही तो इंसान याद आता है हमको, और वो होता है अपना सबसे प्यारा दोस्त। तो उद्भव जी ने भी अपने दोस्त को फोन लगाया। लेकिन वो दोस्त जो अपने पिता को खोकर खुद ही बेसहारा हो गया हो, वो क्या किसी को सहारा देगा। वो तो खुद ही सहारा ढूंढ रहा था अपने पिता के जाने का। देख रहे ना बेटा, कैसे एक हादसे ने हमारे पूरे परिवार को उजाड़ डाला। इस घर की, तेरे बहनों की, उनकी पढ़ाई की, उनकी शादी की सारी जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है। मैं जानती हूँ तेरे बहुत बड़े सपने हैं, और एक माँ होने के नाते मुझे ये शर्म आ रही है कहते हुए, पर तुझे अपने सपनों से समझौता करना होगा। माँ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तुझे हमारे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना होगा। मैं हूं ना इस परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा मां। ये समझौता उसके जीवन का पहला समझौता था, और सबसे बड़ा भी, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। अरे मां, कहां रह गई? हाँ बोल, क्या? अरे बैठो तो एक बार माँ। ये लो माँ, आज मेरी तनख्वाह आ गई है। और माँ, आज तो गुड्डी को देखने वाले भी आए थे, अब तो गुड्डी की भी शादी हो जाएगी। शादी? कहाँ से होगी शादी? दुनिया भर का दहेज मांग रहे हैं, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, न जाने क्या क्या। तेरी इस तनख्वाह में सिर्फ घर चल सकता है, गुड्डी की शादी नहीं हो सकती। कैसे करेगा तू शादी? काश आज पिताजी हमारे साथ में होते, तो शायद नहीं होती। इस फैसले में उनके पिता भी उनके साथ नहीं थे। बाहर निकल। अबे ऊपर देख, ऊपर। इधर क्या हो गया बे? कौन है भाई? जो भी है बहुत बड़ा है। रुक, मैं आके देखता हूँ कौन आ गया हमसे बड़ा। हाँ साहब, क्या हो गया? डिक्की खोलो, शराब पी के गाड़ी चलाते हो। देखिए करते हैं ना, बिकाऊ समझाए क्या? अंदर कर दूंगा सर। रखो लक्ष्मी, रखो आप।
इतने सारे पैसे गोपाल रख ले इन्हें। नहीं नहीं गोपाल, ईश्वरजी के खिलाफ गद्दारी है। गद्दारी? घर की हालात देखी? नहीं गोपाल, पर ये तो तेरे उसूलों के खिलाफ है। उसूल दिलाएंगे गुड्डी के लिए दहेज? नहीं गोपाल, रख ले गोपाल, गलत है ये। हाँ हाँ ठीक है, निकलो यहाँ से और आगे से ध्यान रखना। माँ। हाँ? देख तेरा बेटा खुशखबरी लाया तेरे लिए। क्या? ये पकड़ो, अब तनख्वाह बढ़ गई है तेरे बेटे की। तो सच कह रहा है? हाँ माँ, अब तो गुड्डी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे अपन। इन पैसों पर उसने अपने उसूलों का कफन उड़ा दिया था। दिवाकर जी शुरू हो गया? हाँ मैडम। नमस्कार, मैं खड़ी हूँ जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने, जहाँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन रुके हुए। कल रात को उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी तबीयत जरा सी नासाज है। गौर से देखिए इस खिड़की को, दिवाकर जी जरा जूम करेंगे। जी हाँ, ये वही खिड़की है जहाँ खड़े होकर कल रात को उन्होंने 5 छींके मारी। पूरी देश की निगाहें इसी खिड़की की ओर टिकी हुई है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए जोधपुर अब तक के साथ। मैं स्वरा अग्निहोत्री, कैमरामैन दिवाकर चौधरी के साथ, जोधपुर अब तक के लिए। ठीक था दिवाकर जी? ठीक था क्या स्वरा जी? हमको 5 दिन से लूज मोशन ने परेशान कर रखा है, आप 5 छींकों के पीछे पड़े हैं। वो क्या है ना दिवाकर जी, अगर बिग बी अगर सांस मिले ना तो वो हमारे चैनल के लिए स्टोरी बन जाती है। अब जनता का लूज मोशन हो या कुछ भी हो, अच्छा किसी को क्या पड़ी है। चलिए आगे की स्टोरी लेते हैं। खुद की रोजी रोटी और जमाने की मांग देखते हुए कुछ ऐसे खबरें सुनाती थी अपनी स्वरा जी। अरे स्वरा जी, स्वरा जी, न्यूज़ मिली आगे। आइए दिवाकर जी बैठिए। आओ। हाँ दिवाकर जी, क्या स्वरा जी, आज बालोतरा में 2 किसानों ने आत्महत्या की। कल ही तो ये न्यूज दिखाई थी दिवाकर जी, रोज रोज कौन देखेगा ऐसी न्यूज। कुछ चटपटा लाओ, फ्लैश न्यूज में दिखा देंगे। अरे स्वरा जी, स्वरा जी। हाँ नारायण जी। स्टोरी तो मेरे को मिली है। बताइए। एक पोल्ट्री फॉर्म वाले मालिक का दावा कि उसके मुर्गे ने 2 अंडे दिए। मुर्गी ने? हाँ। क्या बात कर रहे हैं, ये हुई ना स्टोरी, ये हुआ मसाला। आप तैयारी कीजिए उसको कवर करने की। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, ठीक है ठीक है। दिवाकर जी अपना लुक चेंज कर लीजिए, ऑपरेशन पे चलना है। कहाँ चल रहा है? वो अपना प्राइवेट मेडिकल वाले ना। हाँ जी, चलो। अपने बचपन की प्रतिभा का एक नमूना दिखाने निकल गई थी स्वरा जी अपना प्लान बनाकर। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाइए। सर एडमिशन की बात है। एडमिशन की बात करनी है तो रैंक लेटर लेके अपना जाइए और वो वहाँ पे एडमिशन हो जाए। सर लेकिन मेरिट में नाम नहीं है। मेरिट में नाम नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आना फिर। सर कुछ काम हो जाता तो। ये देखिए सर, तुम्हारा क्या मतलब? सर राजेंद्र सर ने भेजा। अच्छा राजेंद्र सर के थ्रू है? जी। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। सर फिर भी कितना? 70 लाख। सर 70 तो बहुत ज्यादा है सर, 40-45 में हो पाता तो। ठीक है 55 में फाइनल करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर द फेवर सर। वेलकम। हमेशा की तरह ये प्लान भी कामयाब था, लेकिन उसका अंजाम क्या वैसा ही होता जैसे पहले होता था? अबे यार ये चोरी तो मरवा गए। हेलो, वीडियो भेज रहे हैं सर, पसंद तो आया, कोई कमी तो नहीं? मैडम आपने ये चोरी किया ना, बिल्कुल सही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो सर, यू इंतजाम करवा के एडमिशन कराना भी तो सही नहीं ना। अगर ऐसी बात है तो इस बार हम इंतजाम कर देते हैं। रकम भारी रखना सर, वरना अगर वीडियो बस आप ये वीडियो वायरल मत। ठीक है।
अक्सर ऐसे फैसले आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और आप वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे छोटा और सबसे आसान होता है। इसे सही टाइम पर सही जगह पोस्ट कर देना। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। ढाकिया डाक लाया खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया। ढाकिया डाक लाया खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया। ढाकिया डाक मैम साहब। ओ मैम साहब। हाँ भैया बोलो। लेटर आपका इंडियन आर्मी से है। आर्मी से तुम्हारा कोई जानकार है ही नहीं। नहीं मैम, एड्रेस तो यहीं से है। आप यहाँ साइन कर दीजिए। आखिर जो ये खत आया था उसमें ऐसा था क्या जो गोपाल इतना परेशान हो चुका था? क्यों गोपाल जैसा मजबूत शख्स बेचैन था? उसके मन में ऐसा कौतूहल उफान मार रहा था? इसका जवाब तो सिर्फ ये एक खत ही जानता था। हेलो उद्भव। हाँ गोपाल। हमें अभी निकलना है। पर आना कहाँ है? वो पहुंच के पता लग जाएगा तुझे। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होता हूँ। तुआ
यार अपन पहुंचने कहां वाले हैं? पहुंचोगे तो पता लग जाएगा। इतना परेशान क्यों है तू? कुछ तो बोल। बताना यार गोपाल, कहां लेके जा रहे हैं? हाँ यार बताना, इतने अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया? पता नहीं यार, जब से आए बिल्कुल ब्लैंक है। हाँ वो तो, कुछ तो बता यार, कहां जाने वाले हैं अपन? कम से कम बता तो देता। ये रहा राजवीर का वो लेटर। राजवीर का लेटर? क्या लिखा है इसमें? आज पहली बार मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है। पहली बार मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। आज का अखबार मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। मैं स्तब्ध था। तुम चारों का उस पुल दुर्घटना में नाम पढ़। क्यों, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि तुम ऐसा कुछ कर बैठे? क्या तुम्हारे कर्तव्य ने, तुम्हारी जिम्मेदारी ने, तुम्हारे विवेक ने तुम्हें एक बार भी यह सब करने से नहीं रोका? अपनी संवेदनाओं का, अपने विचारों का, अपने स्वाभिमान का गला घोटते हुए तुम्हारे हाथ जरा भी नहीं कांपे? गोपाल, मैं पूछता हूं, कहां गई तुम्हारी कठिन समय में कभी ना समझौता करने वाली दृढ़ता? नव्या, कहां गया तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी संवेदनशीलता? स्वरा, कहां गया तुम्हारा सच्चाई जानने का जुनून? और उद्भव, तुम कहां गया तुम्हारा गलत के खिलाफ निर्भीक होकर खड़े रहना? मुझे पता है कि जीवन में कई ऐसी इच्छाएं जागती हैं, कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनसे मुकाबला करना एक हारते हुए युद्ध को जीतने समान है। क्या ऐसी परीक्षाएं जीवन का हिस्सा नहीं? इनसे लड़ने लायक बनना हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या इससे पार पाना हमारे पुरुषार्थ में नहीं? आखिर कब तक हम खुद के स्वार्थ को देश से आगे रखेंगे? क्या देशभक्ति की परिभाषा इतनी ही है कि एक जवान देश के लिए शहीद हो जाए? नहीं, देशभक्ति तो वह रस्सी है जिसका अस्तित्व बहुत ही बारीक बारीक धागों से बुनकर तैयार होता है। आज हमें यह परिभाषा बदलनी होगी। देशभक्ति सिर्फ यह नहीं कि जवान सरहद में शहीद हो जाए, बल्कि वो हर एक नेता,
जो सबको साथ लेकर बढ़े, हर वो डॉक्टर जो दया भाव से इलाज करे, वो इंजीनियर जो पक्की इमारतें और पुल बनाए, वो अधिकारी जो सही फैसले ले, हर वो व्यक्ति जो इस जमीन को अपनी कर्म भूमि मानता है, अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करे, वो वास्तविक देशभक्ति है। तुमने जो किया है वो देशद्रोह से कम नहीं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने दोषों का प्रायश्चित जरूर करोगे। जिस काम के लिए मैं आज जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, उन अमर शहीदों के बलिदानों का हक जरूर अदा करना, इस एक खत को इसके मुकाम तक जरूर पहुंचा देना। तो दोस्तों, इन्होंने अपना एक बहुत खास मित्र खोया है जो शहीद हो गया, लेकिन इनको बदलने का एक मौका, एक जज्बा और हिम्मत दे गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोगों को बदलने के लिए कितने और बलिदान चाहिए और क्यों? हमारे द्वारा पहुंचाए गए इस खत को जरूर विचारिएगा, जरूर विचारिएगा। जय हिंद।